देशरे आकाश छुआ तैल दर हु हो बढ़ुची पेट्रोल और डीजल दाम। आज पुणी पेट्रोल और डीजल दर वृद्धि करिसेंती तैल कंपनी। पेट्रोल और डीजल दाम लिटर पिछा 35 पैसा वृद्धि करा जाइछि। एहि दर वृद्धि पर एबे राजधानी दिल्ली रे पेट्रोल दाम लिटर पिछा 107.24 टंका रे पहुंचितबा बेले डीजल दर 95.97 रे पहुंचिछि। मुंबई रे पेट्रोल लिटर पिछा 113.12 टंका रे पहुंचितबा बेले डीजल दर 104 टंका रे छुइछि। दिल्ली रे पेट्रोल 107.24 होइतबा बेले डीजल 95.97 रहिछि। भुवनेश्वर रे पेट्रोल लिटर पिछा 107.84 पहुंची। मालकानगिरी रे पेट्रोल लिटर पिछा 113.78 होता बेले ब्रह्मपुर 109.67 रही। कोलकाता रे पेट्रोल दर 107.78 रही बेले डीजेल दर 99.08 रही। राजस्थान रो श्री गंगानगर रे पेट्रोल लिटर पिछा 120 पहुंची। अक्टोबर मासरे जबत 18 थर तैल दर वृद्धि करागला। केवल अक्टोबर मासरे पेट्रोल दर 5.15 वृद्धि पाई बेले डीजेल दर 5 टंका वृद्धि पाई। 2 वर्ष रे पेट्रोल लिटर 34 टंका और डीजेल 29.50 टंका बढ़ला। ये पेट्रोल दर दिनक दिन बढ़िबारे लगी भाव आकाश छुआ हबारे लगी बढ़ुची पेट्रोल और डीजल दाम। आज पुणी पेट्रोल और डीजल दर वृद्धि करिसेंती तैल कंपनी। सुरजित ब्रह्मपुर किभली पेट्रोल दाम बढ़िबा पर स्थिति लोकमानक प्रतिक्रिया कौन रहुची से संपर्क अधिक सूचना देबा पई रहिसेंती। सेभली रंजित मध्य मालकानगिरी आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती। प्रथम सुरजित निकट को जीवा पहुंचाबी। सुरजित जेभली भाबे ये पेट्रोल बढ़िबारे लागिची ब्रह्मपुर कौन आसुची प्रतिक्रिया लोकमानकर कौन रहुची प्रतिक्रिया नै? निश्चित रूपे आम पूर्व बुलेटिन में देखते और लोकंर प्रतिक्रिया नहीं जे तैल दर वृद्धि को नहीं किभली भाव असंतोष जाहिर करते। पेट्रोल कथा कहतु कि डीजेल कथा कहतु ब्रह्मपुर में पेट्रोल लिटर पिछा 109.67 थी बेले डीजेल दर 106.11 अच्छी। कथा हो जे साधारण लोके आजिका समस्ते विभिन्न जान अभ्यस्त हो गले घर पदा को बाहर माने बजार कथा कहतु कि निजर कर्मस्थल कहतु गंतव्यस्थल जावाक हेल्ले विभिन्न प्रकार जान मोटरसाइकल स्कूटी कार यह सब विभिन्न जान व्यवहार करते। तेब गत किसी मसला जदि तैल दर कम थी तथापि एवं गोट सप्ताह मध्य तैल दर वृद्धि पाई पेट्रोल दर वृद्धि पाई ता सहित डीजेल दर मध्य वृद्धि पाई तो सीधा साल प्रतिक्रिया नाप चेषा करवा निश्चित रूपे आम कहीपर जे तेल दर वृद्धि पाई कौन कह तेल दर वृद्धि पाई केम प्रॉब्लम तो हूँ सब बाइक व्यवहार करा पड़ी ना कौन हाँ आगे कम थी ना कौन आगे कम थी एवं तो प्रॉब्लम हो कहीं प्रॉब्लम रेट जेहतु बढ़ी तो प्रॉब्लम हम हाँ निश्चित रूपे प्रतिक्रिया सुनते जे साधारण लोक कि भाव असंतोष जाहिर करते कहीं दिनक दिन जिते बड़े बाइक व्यवहार करते तैल दर मध्य वृद्धि पाऊँगी तेज आउ जन प्रतिक्रिया ना दिनक दिन तैल दर वृद्धि पाई आप बाइक व्यवहार करते कौन कहे आज्ञा कौन कहू तेल दर एम बढ़ाऊँ मनुष्य तो डायरेक्ट मारी पारे ना खाउटी मान को गरीब लोक पकाऊँ ना तेल धनी लोक तो घर बोले आगे चलला निश्चित सुरजित तेल दर रे निया एवं जो रही ग्राहक आम साधारण नागरिक मान पेट्रो जदि पॉकेट रे कहबा सेतरे मध्ये निया लागि जाय छे। एवं सुरजित तो ब्रह्मपुर थिले रंजित शाह मालकानगिरी मध्ये हम सहित रहउचंती। एवं जेतले रंजित मालकानगिरी कथा कहबे कालीमेला कथा मोर निश्चित भाबरे मने रहउछि सबटु ओडिसा भितरे सबटु सर्वाधिक एटी दर थिला पेट्रोल लिटर पिछा आज जेतले आमे केते कहि परबा केते बढीछि इतिश्री देखु राज्यर सबुठारु अधिका तैल दर रही मालकानगिरी जिले में कालीमेला आज पेट्रोल दर 114.30 रही बेले मालकानगिरी सहर से कि 113.78 रही डीजेल दर मत 110 टंका अधिक रही जहाँकि ग्राहकों पकेट उपर सीधा सड़क प्रभाव पकाउची। जो ग्राहक मैंने पूर्व जो 500 टंका तेल पकाते से आज कि 100 टंकार तेल पकेबापी पछघुंचा देते पेट्रोल टांगी आप देखिपे पूर्व जो भाया भाव में भिड़ होता एवं कितु से भाया भाव में भिड़ देखा मिलूना तेज आसतु मो सहित किसी ग्राहक रही सीधा सड़क प्रतिक्रिया नापी चेषा करवा आज्ञा आप कहे कि जो आप पकेट उपर जो तैल दर वृद्धि किभली भाव में प्रभाव पकाउं बहुत असुविधा हो तेल पके होनी तेल रेट बहुत बढ़ी गला आम 500 टाँग पकड़ 100 टाँग पकाच
ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିଶ୍ରୀ, ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ତେଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭାଇ କହିବେ କି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟାଙ୍କିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତେଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭିଡ଼ କମିଯାଇଛି। ଆମ ଏଠି ରେଗୁଲାର ଆମେ 2-3 ପିଲା ଲଗେଇକିରି ବି ଆମେ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ। ମାନେ ଏମିତି ବେପାର ହେଉଥିଲା, ମାନେ 40-50 ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ତେଳ ମାନେ ତୈଳଦର ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବି କମିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସହିତ ମାନେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପକାଉଥିଲେ ଆଗରୁ, ଯିଏ ଧରନ୍ତୁ 500 ପକାଉଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 100-200 ଏମିତି ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତ, ଏଠୁ ଯେଉଁମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯେ ସମାନ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କଥା ଯାହା ପଚାରୁଥିଲେ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ ତେଲ ଦର ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ 5-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ରହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବସ୍ ଚାଳକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିର ତେଲ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସୁକୁମା ଯେଉଁ ମାତ୍ର 25 ଦୂରରେ ରହିଛି, ସେଠାରେ ସେମାନେ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପକେଟ୍କୁ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲିଟର ପିଛା 5-6 ପଡୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫରକ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମାନେ ପକାଉଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜିତ ସାହା, ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ କିଭଳି ରହିଛି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ତେଲ ଦରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ବଜେଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରସାମ୍ୟ ହରଉଛି ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ବି।